इसलिए होने वाला है, मतलब किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि जो वीर है जो को मारने वाला है गोली वोली, आई थिंक वैसे ही एग्जिट होने वाला है मोस्टली तो. अच्छा मैम, आपका एग्जिट टाइम विद माय को एक्टर्स जो मेरे रूम में आते हैं लंच करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, फिर हमारा एक भोगी जो बनता है बाहर मेकअप रूम के बाहर. आई मिस माय रूम द मोस्ट, क्योंकि एक बड़ी सी फ़ोटो है लगी हुई है मेरे रूम में शिवानी का, जो मुझे फर्स्ट डे ऑफ गुलाम में मिला था. सो आई मिस दैट. आई अडोर, आई लव एंड लव सारिका एंड क्षमता मैम जो पगलिया बनी है. आई लव देम, लाइक इतने प्योर लोग हैं ना. आई जस्ट लव देम. आई लव द अदर्स ऑल्सो, बट ये दोनों थोड़े फेवरेट हैं. आई विल ऑलवेज रिमेंबर इज इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द शो और मैंने आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद रिद्धिमा एंड सारिका के साथ एक सीन था जहाँ मैं अपना जो मेरे को वेडिंग आउटफिट देते हैं तो उसको मेरे को शादी नहीं करनी वीर से. आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट सीन ऑफ माइन एंड इट वॉज वेरी प्योर दिल से कि द कैमरा मैन एट टीयर्स, द डायरेक्टर हैड द राइटर हु केम. सो आई एम ग्लैड. Really miss the show. I want to miss my friends more than the show because इधर moments बनाए हैं, बहुत सारी memories बनाई हैं, तो मैं ये सब miss करने वाली हूँ. And of course shooting every day, I love shooting. And where are you going? See, अभी मेरे को दो दिन पहले ही पता चला है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ decide नहीं किया. It's too soon to do anything. So now let's hope कि कुछ better, अच्छा पड़ा मिल जाए. वेकेशन तो ज़रूर है. हाँ, मैं जा रही हूँ जैम्बिया, मैं जा रही हूँ साउथ अफ्रीका, केप टाउन, लुसाका, मैं हूँ एवरीवेयर. मतलब पूरा लिस्ट बन चुका है. हाँ, लिस्ट बन चुका है. मॉलडीव्स फॉर माय बर्थडे. ओ, आपका बर्थडे भी आ रहा है. यस yes. तो वहाँ पे क्या करने वाली है? कहाँ पे? जहाँ पे भी आप जाने वाले. सो आई एम गोइंग टू लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स बिकॉज आई कैन गो ऑन हाइट्स एंड ऑल, बट वो जो क्वाड बाइकिंग है एंड देन हेलो एंड स्कूबा डाइविंग. ओ माय गॉड. सो यू विद योर फैंस एंड एवरीवन. कि वो ये सीरियल ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी अंत हो गया. ऐसा तो कुछ नहीं है. तो मैं भी बहुत जल्द आने वाली हूँ आप सबके सामने कुछ और लेकर. एंड मुझे सपोर्ट कीजिए एंड कीप लविंग मी एंड कीप प्रेइंग फॉर मी. थैंक यू.